देख लेंगे तुम्हें। देखिए ये सारा का सारा षड्यंत्र क्यों है। हम कहते हैं श्रुति अर्थात वेद, श्रुति भी कहते हैं वेदों को, अर्थात श्रवण की परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से आदि काल से चले आ रहे हैं, अर्थात अरबों साल पहले से। ठीक ठीक जानो 1,96,08,53,117 वर्ष होकर 118 वर्ष हो जाएंगे अभी। तो देखिए ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इसीलिए घूम रही हैं। प्रश्न खड़ा कर दीजिए बाइबल पर कि भैया आपकी सृष्टि 6,000 साल पहले बन गई, ये तौरेत और बाइबल तो बिल्कुल बाद में आई, तो तब तक क्या खुदा आपका यहोवा नींद की गोली खाकर सो रहा था? मनुष्य ने क्या किया? उसको कैसे पता चला कि सृष्टि का कैसे उपभोग करना, कैसे पालन पोषण करना, कैसे एक दो संतान उत्पन्न की, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसको ज्ञान देना चाहिए था ना। अरे एक फोन के साथ भी बुकलेट आती है ताकि पता चल जाए, इसको ऐसे इस्तेमाल करना। वेद जब सृष्टि बनी उसी समय परमात्मा ने दे दिया था वेद का ज्ञान, इनसे ऐसे औषधि लेनी, शरीर ये है, ऐसे ऐसे साधन संसाधनों का उपयोग करना है, यदि दूसरे प्रदेशों में जाना हो, दूर दूर जाना हो, ऐसे विमान बनाने, सारी की सारी चीजें उसमें दे दी थी। तो इसीलिए ये करते क्या है कि वेद में घुसेड़ दो सब कुछ, तुम्हारा नाम वेद में, हमारा नाम वेद में, सब कुछ वेद में। जब सब कुछ वेद में है ही, तुम प्रमाण ही दे रहे हो, तो क्यों कुरान और बाइबल के चक्कर में घुसते हो भाई? जिंद अवस्था में तो ऐसे कैसे मंत्र दे दिया, ओम शनो देवी रभिष्टय आपो भवंतु पीतय शनियो रभिस्रवंतु नः, पूरा का पूरा मंत्र ऐसे कैसे चिपका दिया। अब कोई ये कह दे जिंदा अवस्था वेद से पहले एक मंत्र उसमें चला गया तो इसका अर्थ क्या है? बाप वेद है, बेटे हैं वो सारे के सारे। अब छोटे बच्चे होते हैं, चेस खेलते हैं, जब हारने लग जाता है ना कोई, तो सारे में हाथ मार देता कि नहीं दोबारा से खेलेंगे, ऐसे ही चालबाज है ये, ऐसे ही चालबाज है। पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते, क्या कोई स्वार्थ है? स्वार्थ ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हट है, अहम भाव है, कोई ना कोई लोभ लालच है, इसीलिए तो इस झूठ में पड़े हुए। अब मैंने कोई मोटी बात तो नहीं बताई, कोई सिद्धांत नहीं बता, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं बता, केवल सामान्य बातें बताई हैं जो सबको पता है, लेकिन मैंने समझा दिया उसको ठीक से। जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आपने